हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी के चैप्टर में। दूसरा लेसन है पादप जगत और वर्गीकरण, उससे संबंधित जितना भी मैंने वीडियो बनाया हूँ साइंस से, सो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकी के पितामह किसे कहा गया है? वर्गीकी के पितामह लिनियस को कहा गया है। ओके, सबसे पहले किसने लिनियस नहीं बांटा था? ओके, इसीलिए इसको वर्गी का पितामह कहा गया है। ओके, जूलॉजी या बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। ओके, फादर ऑफ एनिमेलिया, सॉरी हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया नामक बुक इसी ने लिखा है, अरस्तु ने। और हिस्ट्री ऑफ प्लैंटरम इसने लिखा है, थियोफ्रेस्टस ने। ओके, नेक्स्ट है, द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक आपको बताना है, लिनिया सही बताए थे। द्वि नाम या वर्गी का पिता में इसी को कहा गया, और यही वर्ग दो वर्ग बांटा था। ठीक है, कौन सा वर्ग बांटा था? दो वर्ग बांटा था, इसलिए द्वि पद्धति के प्रतिपादक लिनियस को कहा जाता है। ओके, ये प्लांट व्लांट के बारे में जानकारी दिए थे। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सिस्टम नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सिस्टमा नेचर नामक जो पुस्तक है लिनियस का है, किसका है? लिनियस का है। सिस्टमा नेचर जो नामक पुस्तक है किसकी है? लिनियस की है, जो द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक भी यही है, यानी वर्गीकी के पितामह भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि दो नाम इन्हीं ने दिया था, लिनियस ने ही। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों को रखा जाता है किस में? फैनरो गेम्स में रखते हैं। पुष्पी पादपों को किस में रखते हैं? फैनरो गेम्स में रखते हैं। इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा, पुष्पी है प और फा। ओके, प और फा, पुष्पी पादपों को फैनरो गेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट है, आप पुष्पी पादपों को रखा गया है किस में? क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है या फिर टेरिडोफाइट्स में? तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टो गेम्स में। आप पुष्पी पादपों को क्रिप्टो गेम्स में, आप फेनरो गेम्स में पुष्पी पादपों को। ओके, नेक्स्ट है, वर्गीकरण के आधारित इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारित इकाई है स्पेसीज, सॉरी स्पेसीज ये। ओके, स्पेसीज है वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? स्पेसीज है। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं क्या? हाइड्रोफाइट्स आपके क्या होते हैं? एक जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट है, द्वि नाम पद्धति का अभिप्राय है? पौधे के नामों को दो शब्द में लिखा गया था, लिनियस ने लिखा था, ये जो बताते हैं उन, ये दो नाम पद्धति क्या थे? वंश और जाति थे। कैसी चीज थे? वंश और जाति के संबंधित थे, जो ये दो नाम दिए थे लिनियस ने। ओके, और वर्गीकरण के आधारित इकाई क्या है? स्पेसीज है। आप उसी पादपों को क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक भी लिनियस ने ही लिखा है। नेक्स्ट है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? अनावृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनावृत। जिन पौधे पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते हैं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हुक ने किया था। ओके, ल्यूवेन हुक ने जीवाणु की खोज किया था। ट्रिक से याद करिएगा, देखिएगा, इसके बीच में व है, इसके भी नाम में व है। ओके, लिवन होक शॉर्ट ट्रिक है, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन ये आपको याद रहेगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? जीवाणुओं से संबंधित अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वह विविध पोषी होते हैं, और कुछ जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। मतलब ये कि जो जीवाणु होंगे ना विविध पोषी होंगे, यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं खाना के लिए, लेकिन कुछ जीव जो तो खुद ही खाना बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्यों? जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है,
क्या होती है, कठोर कोशिका भित्ति होती है। ओके नेक्स्ट है, जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है क्या? जीवाणविक कोशिकाओं में आपका क्या नहीं पाया जाता है, सूत्र कणिका नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, जीवाणविक कोशिका जो होती है उसमें सूत्र कणिका नहीं पाई जाती है। ओके नेक्स्ट है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की जनरली अगर देखिएगा तो वो सर्पिल नुमा स्पाइरली होती है कि छड़ रूपी होती है। वैसली जो होती है, वैसली छड़ रूपी होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। ओके नेक्स्ट है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, यानी कोक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, कोक्के। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं, कोक्के कहलाते हैं। ओके नेक्स्ट है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं? कोकस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोकस कहलाएंगे, गोल जीवाणु कोकस कहलाएंगे। आज जनरली स्पाइरली नुमा होता है, ठीक है, स्प्रिला कहा जाता है स्पेलिंग इंग्लिश में, नहीं तो सर्पिल कहेंगे, ठीक है। जीवाणुओं की साधारण आकृति, ओके, सबसे छोटे को कहते हैं गोलाणु, जिसे इंग्लिश में कोक्के कहते हैं। ओके एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं क्या? सर्पिल नुमा जो जीवाणु होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके? कोकस कहलाएंगे या फिर स्पाइरिलम कहलाएंगे। एक सर्पिल नुमा जो जीवाणु होते हैं वह स्पाइरिलम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्पाइरिलम, सर्पिल नुमा। देखे होंगे कॉपी कैसा रहता है, स्पाइरल के फॉर्म में रहते हैं ना, तो सर्पिल मैंने नचने वाला, ठीक है, स्पाइरिलम रहेगा। जीवाणु कैसे होते हैं, सर्पिल जीवाणु को कहते हैं क्या? स्पाइरिलम कहते हैं। ओके कोकस किसे कहते हैं? एक गोल जीवाणु कहते हैं, कोकस किसे कहेंगे? गोल जीवाणु को कहते हैं। ओके और जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? स्प्रिला होती है। नेक्स्ट है आपका, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है? केंद्रक किसमें नहीं होता है? जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, उपस्थित नहीं होता है यानी अनुपस्थित होता है। केंद्रक किसमें नहीं होता? जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाई जाती है। ओके नेक्स्ट है, कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है जीवाणु आपका, बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। ओके बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय है क्या? ये वर्ण किल्वक होते हैं। कैसे होते हैं? वर्ण किल्वक होते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी होता है, कुछ सब्सटेंसेस होता है उसमें, उसका मतलब क्या है? और वर्ण किल्वक होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण किल्वक होते हैं। नेक्स्ट है, पॉस्चर पद्धति है क्या? पॉस्चर पद्धति है प्रोटीन संश्लेषण के लिए या रोगों को जन्म थ्योरी के लिए है? रोगों की जन्म थ्योरी के लिए पॉस्चर पद्धति है। पॉस्चर पद्धति क्या है? रोगों की जन्म थ्योरी के लिए है। ओके रोगों की जन्म थ्योरी के लिए है पॉस्चर पद्धति। निम्न में से सबसे छोटा जीव है क्या? सबसे छोटा जीव आपका माइकोप्लाज्मा कहलाता है। ओके सबसे छोटा जीव आपका माइको प्लाज्मा होता है। सबसे ज़्यादा जीवाणु पाई जाती है लेकिन सबसे छोटा माइको प्लाज्मा हो गई। ओके नेक्स्ट है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं वह क्या कहलाते हैं?
वह कहलाएंगे नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। क्या कहलाएंगे? नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु जो होंगे ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देंगे। कौन क्या कहलाएंगे? नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहलाएंगे। ओके नेक्स्ट है, मूल ग्रंथियों यानी रूट नूडल पाई जाती है किसमें? रूट नूडल पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी। ओके कुछ लेग्यूमिनस पादप और कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती है। क्या? रूट नूडल्स। ओके मूल ग्रंथियां जिसे कहते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो जीव द्रव्य होते हैं वह कुंचित हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ओके जो द्रव्य में जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, कुंचित होकर के। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है क्या? मानव की आंत में पाए जाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सी है? एसेरिसिया कोलाई, जिसे इकोलाई कहते हैं। ई से ए से एसेरिसिया याद रखिएगा, इकोलाई एसेरिसिया कोलाई मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, ठीक है। नेक्स्ट है, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है क्या? टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु आपका माइको बैक्टीरियम है, ठीक है। टीबी उत्पन्न करने वाला क्या है जीवाणु? माइको बैक्टीरियम है। ओके नेक्स्ट है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किससे? भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। भोजन में जो विषाणुपन आ जाती है यानी जहरीला बन जाता है किसके कारण? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा बनती है। ओके नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होती है, एंटीबायोटिक ज़्यादातर पाई जाती है आपका जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स जो अधिकांशतः पाई जाती है किससे? जीवाणुओं से पाई जाती है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे कितने जीवाणु बनेंगे? 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 वो बनेंगे। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली जो है ये नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। ये फसल जो होती है ये सहायक है नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? लेग हीमोग्लोबिन, अच्छा हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। हाँ है, ऑक्सीजन का क्या करना है? अवशोषण करना है। ओके नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नेक्स्ट है, कौन सा रोग बैक्टीरिया में होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है? टीबी जो है आपका तपेदिक, ये बैक्टीरिया से होती है। ओके मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जो मुक्त जीवी जीवाणु है वो कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार तो पैदावार अगर बढ़ा देगी तो वो कौन सी होगी? एना बिना जो होगी यह मुक्त जीवी जीवाणु है। ओके ये धान की पैदावार को बढ़ा देती है। एना बिना क्या है? एक जीवाणु है जो क्या करती है, धान की पैदावार को बढ़ा देती है। प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कौन? करता है क्या करता है? जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है उसकी दर को कम करता है। बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है ना उसकी जो रेट होती है उसको कम कर देता है। ओके
जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दिया जाता है। खाद परिरक्षण में इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैव रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको कम से कम कर देना है। नेक्स्ट है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो बताए थे लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, ये भी बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बताए थे बैक्टीरिया के द्वारा, यानी लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। ओके, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही जमेगा तो लैक्टोबैसिलस रीजन होगा। ओके, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में जीवाणु है? ठीक है, यानी इसमें से कौन सा सहजीवी है जो नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देता है, वह जीवाणु कौन सी है? राइजोबियम नामक जो जीवाणु है ये नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देते हैं। ओके, नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देते हैं। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। ओके, इवानोवस्की ने खोज किया था। नेक्स्ट है, विषाणु माने जाते हैं क्या? तो विषाणु आपके माने जाते हैं, सी माने जाते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप है ये। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने गए हैं, कौन? विषाणु। नेक्स्ट है, किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। TMV ट्राइकोमोनास वायरस शब्द संबंधित किससे है? तो ये वायरस विषाणु से ही संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? तो विषाणु के द्वारा होता है, कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया रोग। ओके, नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, जो विषाणु के द्वारा हो गए, ये भी विषाणु के द्वारा होते हैं, लेकिन कुत्ते के कारण एक के कारण नहीं, गंदगी के कारण होता है पीलिया। सॉरी, पोलियो। चेचक के लिए टीके को विकास किया गया है? चेचक के टीके का विकास किया गया किससे? तो एडवर्ड जेनर ने किया है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया है। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसकी? चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है, विषाणु वृद्धि करता है किसमें? सिर्फ जीवित शरीर में ही विकसित कर सकता है, पानी में नहीं या नहीं चीनी के विलयन में। विषाणु जब भी विकसित करेगा तो जीवित कोशिका में ही जीवित ही विकसित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों? क्योंकि विषाणु निर्जीव इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? एंजाइम जब भी उपस्थित होंगे तो विषाणु में नहीं पाए जाते हैं, एंजाइम विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। एड्स का मुख्य कारण क्या है? एड्स का मुख्य कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स का मुख्य कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी है। ओके, नेक्स्ट है, HIV का होने का कारण क्या है? सॉरी, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? एड्स। ओके, HIV ही एड्स का रूप ले लेता है बड़े होने पर। नेक्स्ट है, एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस जो होगी वह एक सूची RNA होती है, एक सूची RNA होगी, कौन? एड्स वायरस। नेक्स्ट है,
एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण है वायरस। ओके, एक सूची आरएनए कहलाती है। एचआईवी संबंधित है किससे? एड्स से संबंधित है। एड्स फैलता है कैसे? शारीरिक संपर्क करने से। ओके, विषाणु में क्या होता है, वायरस में क्या होता है? तो वायरस में आपका होगा बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ओके, एंजाइम नहीं होते हैं बल्कि विषाणु यानी वायरस में होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सार्स क्या है? सार्स भी एक वायरस है, सीवियर, इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूटी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। खसरा संक्रमण का कारण होता है कौन? विषाणु ही है। खसरा संक्रमण का कारण क्या है? विषाणु है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है चेचक। ओके, ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। टीवी यक्ष्मा जिसे कहते हैं बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं, जंतुओं में होता है। पर नेक्स्ट है आलू में मोजैक रोग होता है, पूछेगा मोजैक रोग किस में होता है? तो याद रखिएगा आलू में होता है, इसका कारण क्या है? तो वायरस है। आलू में मोजैक रोग होता है किसके कारण? तो वायरस के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? तो वनस्पति विज्ञान की शाखा फाइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। आ कवक का अध्ययन करना तो माइकोलॉजी। वर्गीकरण का सबसे पहले किसने किया था? लिनियस ने किया था। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति देखिए पेड़ का है, शैवाल भी एक पेड़ जैसा होता है, इसकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। ओके, सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा के स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? युक्लोरेला। युक्लोरेला हाइड्रा युक्लोरेला जो होगी, युक्लोरेला हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल है? सहजीवी शैवाल कहा गया है किसे? युक्लोरेला जो है यह सहजीवी शैवाल है किसका? ये हाइड्रा की कोशिका में पाई जाती है। सार्गोसो समुद्र का नाम पड़ा है क्यों? क्योंकि वो शैवालों के कारण पड़ा है। ठीक है, क्यों? लाल शैवाल पाया जाता है इसलिए सार्गोसो नाम पड़ा है, शैवालों का। नेक्स्ट है गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? बताए थे आयोडीन होता है। ठीक है, गलकंड रोग ये घेंगा रोग होती है उससे इलाज किया जा सकता है आयोडीन से, समुद्री खरपतवार खाने से इलाज हो सकता है। नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। किससे होती है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। लैमिनेरिया क्या है? तो सबसे पहले याद रखिए एक शैवाल है ये, लैमिनेरिया क्या है? शैवाल है और ये आयोडीन इसी से प्राप्त होती है। किससे? तो लैमिनेरिया से। केल्प से प्राप्त होता है क्या? केल्प से आपको प्राप्त होगा समुद्री शैवाल। ओके, समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। ओके, समुद्री शैवाल लो से केल्प प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है शैवाल।
ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो शैवाल होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक यानी बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर का कार्य करता है? तो कौन कार्य करेगा? 71 का ए, नील हरित शैवाल जो होती है यह चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करती है। नील हरित शैवाल जो होगी ये चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करेगी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कंट्रोल करना है। उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो क्लोरेला नामक जो है ये आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कंट्रोल करता है, क्लोरेला। ठीक है, और ये एक कोशिकीय शैवाल है। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बताए थे शैवाल के कारण, सार्गासो सागर जैसे। एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? एगार एगार शैवाल से तैयार किया जाता है। ठीक है, एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? शैवाल से किया जाता है, एल्गी से। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत के लिए गैर हरित विषम पोषित पौधे को कौन से होते हैं यानी जो दूसरे पर निर्भर होते हैं? तो 75 का बी हो जाएगा। ठीक है, फंजाए कौन हो जाएंगे? फंजाए जो होंगे यानी फंगस जो होंगे यह गैर हरित है पहला, और ये विषम पोषित है यानी खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व सेलुलोज की बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थों किस रूप में संचित होते हैं? तो किसके रूप में होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं। कवक द्वारा जो रिजर्व भोज्य पदार्थ है जो स्टोर करके रखेंगे फूड प्रोडक्ट, उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी कवक सदैव होते हैं क्या? सभी कवक जो होंगे 78 का सी होंगे, विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी का मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे कवक। माइकोराजा सहजीवी संबंध होता है किससे? माइकोराजा सहजीवी संबंध होगा बी से, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होते हैं। किसके किसके बीच होते हैं? कवक और उच्च पौधों की जो जड़ है उसके बीच होते हैं माइकोराइजा सहजीवी। ठीक है, नेक्स्ट है, वृक्षों की छाल यानी बार्क्स पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कार्टी कोलस कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पर जो उगते हैं कवक उसे क्या कहते हैं? कार्टी कोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं, ठीक है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाले क्रोपोफिलस और वृक्षों पर उगने वाले कार्टिकोलस कहलाते हैं। ओके, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है? क्लोरोफिल कवक में आपका जो है क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगर पाई जाती तो ये भोजन खुद ही बना लेता, तो विविध पोषी क्यों होता है कवक? ठीक है, नेक्स्ट है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किससे? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के द्वारा होता है। आलू का लेट ब्लाइट जो उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस के द्वारा होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सी है? डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होगी।
डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सी है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी होगी। ओके फिर से सुनिए, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है ये कौन? सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी पूछेगा। सैक्रो ये भी खाली पूछ सकता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी क्या है? तो आप बोलिएगा कवक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो डबल रोटी के बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है पेंसिलियम, पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम क्या है? कवक है। पेंसिलियम क्या है आपका? कवक है। ओके पेंसिलियम क्या है? एक कवक है। नेक्स्ट है पेंसिलियम की खोज किसने की थी? पेंसिलियम की खोज आपको किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ओके एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलियम की खोज की थी। नेक्स्ट है अर्गोट प्राप्त होता है किससे? अर्गोट प्राप्त होगा क्लेविसेप्स से। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होती है। क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है अर्गोट। अर्गोट जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होती है। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त होते हैं किससे किया जाता है? अब वो औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त होता है वह किससे किया जाता है? तो पेंसिलियम क्राइसोजेनम से किया जाता है। ओके औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किया जाता है ज़्यादा पैमाने पर, तो किससे प्राप्त किया जाता है? पेंसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। बोलेगा अर्गोट क्या है? क्लेविसेप्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जब गेहूं के गूथे में आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल भी हो जाती है, छिद्र युक्त भी हो जाती है जैसे पावरोटी, वह क्यों होती है? तो 89 का देखिए इसमें तो ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करके रोटी को क्या कर देते? स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट है ईस्ट में कायिक जनन होता है किस कैसे? ईस्ट जो जन्म देते हैं कैसे जन्म देंगे? तो मुकुलन के द्वारा जन्म देंगे। ईस्ट में कायिक जो जनन होते हैं कैसे होंगे? ईस्ट मुकुलन के द्वारा होंगे। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? खाने योग्य जो कवक है उसे क्या कहते हैं? एगैरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एगैरिकस जो होते हैं वो खाने योग्य कवक है। पेंसिलियम क्या है? पेंसिलिन इसी से पाया जाता है। ओके नेक्स्ट है एलएसडी किससे प्राप्त किए जाते हैं? एलएसडी आपको कवक से पाए जाते हैं। एलएसडी किससे प्राप्त किए जाते हैं? कवक से। नेक्स्ट है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्पेक्ट्रोमाइसिस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस से पाए जाते हैं। स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी जैविकी जो है, स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी जो होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? वॉक्समैन ने किया था। ठीक है स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? वॉक्समैन ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? वॉक्समैन ने किया था। वायरस की खोज लिवन हॉक ने की थी। ओके और स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। आई स्ट्रेप्टोमाइसिन को अलग किया था वॉक्समैन ने। नेक्स्ट है टिक्का रोग किससे उत्पन्न होता है? टिक्का रोग किस में उत्पन्न होता है? मूंगफली में होता है।
ओके, टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ओके, गन्ने में लाल सरण रोग हो जाता है, वह किसके कारण उत्पन्न होता है? कवक के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? लाल सरण जो बीच में लाल रंग का हो जाता है ना गन्ने में, वो किसके कारण होता है? तो कवक के द्वारा होता है। ओके, लाल सरण रोग, रेड रॉट डिजीज। नेक्स्ट है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? तो कस का ठसा ठस भरे कवक जाल होते हैं। क्या होते हैं? कस का एकदम ठसा ठस कवक जाल भरा होता है, ये खाद्य छत्रक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। ओके, नेक्स्ट है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेंसिलिन था। कौन था? पेंसिलिन। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन था इसमें? तो पेंसिलिन था। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होते हैं? एथलीट फुट नामक बीमारी कवक के द्वारा होते हैं। एथलीट को ज़्यादातर ये बीमारी हो जाती है जूते पहनने से लंबे समय। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी और कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो कौन दर्शाएगा? माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है यह कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच होता है। ओके, कौन कौन? सिर्फ माइकोराइजा। किसके किसके बीच? कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच होता है। नेक्स्ट है, एफ्लाटॉक्सिन है क्या? एफ्लाटॉक्सिन आपका क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष है। कवक द्वारा उत्पन्न विष कहलाते हैं कौन? एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में साइक्रोमाइसिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में साइक्रोमाइसिज का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य होते हैं? तो शैवाल और कवक के होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल और कवक के होते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? जैव सूचक वायु प्रदूषण का है कौन? लाइकेन। ओके, लाइकेन जो है ये जैव सूचक है वायु प्रदूषण का। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। लिटमस से लाइकेन निकाला जाता है। ठीक है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं क्या? तो क्या कहलाए जाएंगे लाइकेन में? ए, हेलोटिज्म जो होंगे आपका, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं, इसे हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? हेलोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ों की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होता है उसको क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर जो उगने वाला लाइकेन होता है उसे कार्टिकोल्स कहते हैं। कार्टिकोल्स से कहेंगे किसे? पेड़ों की छाल पर जो उगता है लाइकेन। कार्टिकोल्स पहला सबसे पूछेगा क्या है, तो बोलिएगा लाइकेन से ये आपका। ठीक है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होता है उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सी कोल्स कहेंगे।
खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसे क्या कहेंगे, सेक्सी कोल्स कहेंगे, और पेड़ की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होती है उसे काटी कोल्स कहेंगे। पूछेगा सेक्सी कोल्स क्या है, तो ये लाइकेन है, ठीक है, और जो कहाँ पर उगते हैं, खाली चट्टानों पर उगते हैं। नेक्स्ट है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इंडोकार्पेन को खाते हैं। किसके रूप में खाते हैं, इंडोकार्पन क्या है, एक लाइकेन है, इंडोकार्पन क्या है, एक लाइकेन है जो सब्जी के रूप में खाया जाता है जापान में, ठीक है। नेक्स्ट है, मिर्गी यानी एपिलेप्सी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो एपिलेप्सी की औषधि है किसी लाइकेन से प्राप्त होती है, परमेलिया से, परमेलिया नामक जो होती है लाइकेन होती है, परमेलिया क्या है, एक लाइकेन है, और इसी से ही मिर्गी की दवा बनाई जाती है परमेलिया से। ओके नेक्स्ट है, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहा गया, जल पर भी रहता है और स्थल पर दोनों पर रहता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं, क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा यानी उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है क्या, ब्रायोफाइटस, जड़ के स्थान पर मूलाभास जो पाया जाता है वो क्या है, ब्रायोफाइटस है। ओके, ब्रायोफाइटस जो है ये जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है क्या, ब्रायोफाइटस में लीवर बट और मॉस है। पूछेगा लीवर बट और मॉस किस में आते हैं, तो ब्रायोफाइटस में, ठीक है, लीवर बट और मॉस आते हैं ब्रायोफाइटस में। नेक्स्ट है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है, तो बीजों की प्रकृति आपको उत्पन्न हुई है टेरिडोफाइट्स में, किस में, टेरिडोफाइट्स में ये बीजों की प्रकृति इसमें उत्पन्न हुई है। अब ब्रायोफाइटस में लीवर बट और मॉस आती है। ओके, किस शैवाल को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है जिसे ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, एजोला है क्या, एक एजोला एक क्या है, तो जलीय फर्न है, अजोला क्या है, एक जलीय फर्न कहलाता है एजोला। ओके, अब ब्रायोफाइटा लीवर बट और मॉस आता है, ठीक है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है, आप बता सकते हैं टेरिडोफाइट्स में, एजोला क्या है, एक ब्रायोफाइटस है। पुनर्जीवन, पुनर्जीवन के गुण होने के कारण किससे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है, यानी बार बार काटने से फिर ये विकसित हो जाते हैं, तो किसे रखा जाता है, तो सीले जीनेला को रखा जाता है, सीले जीनेला को रखा जाता है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है, सीले जीनेला को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे जीवाणु, किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो दवा के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, लाइकोपोडियम का, किसके, सॉरी जीवाणु करें, बीजाणु, किसके बीजाणु, बीजाणु है, लाइकोपोडियम क्या है, बीजाणु है, दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दवा के रूप में प्रयोग करते हैं किसको, लाइकोपोडियम को। ओके, सिले जिलेना में ये पुनर्जीवन का काल होता है इसलिए इसे सजावटी के लिए मेज पर रखते हैं। ओके नेक्स्ट है, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में एजोला को यूज किया जाता है। ओके, एजोला को यूज किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। ओके, और एजोला है क्या, एक जलीय फर्न है, जलीय फर्न है जिसका यूज करते हैं जैव उर्वरक के रूप में। ओके नेक्स्ट है आपका,
119 तो हो गया, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक जो क्रोमोसोम होते हैं एंजियोस्पर्म में या टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में। ओके, क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, मनुष्य हाथियों से भी ज़्यादा क्रोमोसोम। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो नग्न रूप में रहेगा किसमें? जिम्नोस्पर्म में नग्न रूप में रहेगा। बीज तो बनते हैं लेकिन बीज जो है नग्न के रूप में रहेगा, तो जिम्नोस्पर्म। तो देखिए नंगा हो करके देखते होंगे कि इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, नग्न होकर के जिम क्या जाता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जिम करते हैं, देखते हैं, और जिम करने के बाद सब बॉडी दिखाता है, ठीक है। तो नग्न रूप में कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ओके, ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? उभयचर भी कहते हैं, जमीन या स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, पानी पर। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है किससे? संसार का जो सबसे लंबा पौधा होता है वह जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। संसार का सबसे लंबा जो पौधा है, पौधा वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। ओके, और टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं चिलगोजा को। चिलगोजा को कहते हैं, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा को। ये जिम्नोस्पर्म नंगे रूप में रहते हैं। ओके, कोरेलॉइड जो होती है जड़ें पाई जाती है किसमें? कोरेलॉइड जड़ें जो पाई जाती है साइकस में पाई जाती है। कोरेलॉइड जो जड़ें होती किसमें पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में। ओके, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में होता है। और कोरेलॉइड जड़े इसी में पाई जाती हैं, साइकस में ही। कौन सा जड़े? कोरेलॉइड जड़े पाई जाती है साइकस में ही, और ये सबसे बड़ा बीजांड है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है? पाइनस से ही प्राप्त होता है, सॉरी, सबसे ज़्यादा करें, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है, ठीक है। चिलगोजा क्या है और साइकस क्या है? एक बीजांड है जिसमें कोरेलॉइड जड़े पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है साबुदाना। साबुदाना किससे बनाया जाता है? साबुदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। साबुदाना जो होती है साइकस से बनाई जाती है। और चिलगोजा क्या होती है? पाइनस से प्राप्त करते हैं। ओके, साबुदाना किससे बनता है? साइकस से बनता है। साबुदाना साइकस, साबु साइकस, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, सा सा। ओके, साबुदाना साइकस। नेक्स्ट है, दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली जो दवा है इफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? इफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? तो इफेड्रा से। इफेड्रीन, इफेड्रा, इफेड्रीन, इफेड्रीन, इफेड्रा, इफेड्रीन, इफेड्रा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। दमा और खांसी के रूप में यूज किया जाता है इफेड्रीन, ठीक है। और ये एफेड्रा से पाई जाती है, साइकस से साबुदाना पाई जाती है। ओके, साइकस से साबुदाना पाई जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहलाता है? लिविंग फॉसिल कौन कहलाएगा आपका? ये चिनकगो, चिनकगो, ठीक है। जीवित जीवाश्म यानी लिविंग
फॉसिल कहलाया जाएगा कौन? जिंकगो, जिंकगो जो है आपका लिविंग फॉसिल कहलाएगी, जिंकगो जो है आपका लिविंग फॉसिल कहलाएगी, ठीक है। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु अकोशिकीय होते हैं या एक कोशिकीय होते हैं? अकोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। विषाणु क्या है? अकोशिकीय होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? अकोशिकीय होते हैं। वायरस क्या होते हैं? अकोशिकीय होते हैं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या कहलाती है? तेल प्रदूषण के निर्माण में जीवाणु विकृति कहलाती है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या कहलाती है? जीवाणु विकृति कहलाती है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या कहलाती है? जीवाणु विकृति कहलाती है। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन जो होती है ये प्रदूषण संकेतक पौधा होती है। लाइकेन क्या होती है? प्रदूषण संकेतक पौधा होती है। अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा तो पत्ता लाइकेन का बताइए देगा, तो इस प्रकार आपका पादप जगत और उसके वर्गीकरण खत्म होते। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा जरूर दोस्तों, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करिएगा, और बताइए क्या सॉल्व इसमें सुधार करना है।